हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ओजोन किचन में आप सबका। तो आज क्या है, फिर से कुछ नया, कुछ हटके, कुछ हॉट, कुछ टेस्टी, कुछ स्पाइसी क्रिस्पी या फिर कुछ स्वीट या कुछ सॉर। चलिए जल्दी से ये सस्पेंस ख़त्म करती हूँ और मैं आज लाई हूँ आप सबके लिए ये एक बहुत ही यमी डिलीशियस अचारी मठरी। सबसे हटके, सबसे इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, और ये खाने में इतनी स्वाद होती है कि आप एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने क्या लिया है। सबसे पहले तो यहाँ पर सिर्फ 2 टेबल स्पून है सूजी बारीक वाली, और हमने लिया है 125 ग्राम मैदा। आप चाहें तो आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गेहूं के आटे का। और इसके अलावा मैंने लिया है ये 1/2 टी स्पून कलौंजी, और यहाँ पर ली है मैंने ये पीली राई दाल जो अचार वाली होती है वो 1 टी स्पून है, कसूरी मेथी है थोड़ी सी, और उसके अलावा हमने ली है 1/2 टी स्पून अजवाइन। और ये है घर में जो भी आपके पास अचार हो उसका जो थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा उसके अंदर जो मसाला होता है, कई बार मसाला बच जाता है, और अगर नहीं बचा है तो फ्रेश जो अचार आपने बनाया है उसका किसी का भी 2 टेबल स्पून अचार का मसाला ले लीजिए। और ये है हमने लिया है जो 1.5 टेबल स्पून के आसपास है सौंफ, जिसे हमें दरदरा पीसना है, और थोड़ी सी 1-2 चुटकी हम डालेंगे हींग। तो सबसे पहले हम जो है सौंफ का पाउडर नहीं बनाएंगे, दरदरा पीसेंगे। तो यहाँ मैंने मिक्सी का सहारा नहीं लिया है, आप चाहें तो मिक्सी में भी उसको ग्राइंड कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि वो बिल्कुल पूरी तरह से आप उसे पाउडर न बनाएं, दरदरा पीस लें। तो यहाँ मैंने जो है सौंफ को थोड़ा सा दरदरा पाउडर कर लिया है, और अब ये देखिए ये बिल्कुल बस इस तरह का जो है हमें दरदरा पाउडर चाहिए सौंफ का, और इसे हम मिला देंगे उस मैदे और सूजी के अंदर। तो चलिए रेसिपी के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और बाकी की चीज़ें भी इसमें मिलाते हैं। तो अब इसमें मिला रहे हैं हम ये जो पीली राई दाल है वो, और उसके अलावा हमने थोड़ी सी अजवाइन ली है वो, और उसके अलावा जो हमने कसूरी मेथी ली है उसे हम क्रश करके डाल देंगे। कलौंजी को भी मैंने इसमें डाल दिया है, और जो ये कसूरी मेथी है उसे हमने इसे जो है थोड़ा सा हाथ पे इस तरह से क्रश करके हमें डाल देना है। और इसके साथ ही अब हम डालेंगे इसके अंदर लगभग 1.5 टेबल स्पून ऑयल। जी हाँ, क्योंकि हम अचार का मसाला इसमें डालने वाले हैं तो उसमें ऑलरेडी ऑयल भी हमने ले लिया है, तो ज़्यादा मोयन नहीं डालेंगे। और अब बारी है इसमें सूखे मसाले डालने की। तो नमक डाला है मैंने स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर लिया है मैंने यहाँ पर 1/2 टी स्पून, इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है ये रेड चिली यानी कि लाल मिर्च पाउडर 1 टी स्पून, और अब हम मिला देंगे यहाँ पर ये हमारा अचार का मसाला विद ऑयल। तो इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून ऑयल भी ले लिया था मैंने साथ में, और अब स्पून की मदद से सभी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1/4 कप जो है थोड़ा सा पानी, और उसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। आप चाहें तो हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि ये कलर किस लिए, देखिए कलरफुल फेस्टिवल आ रहा है, ठीक है। तो मैं इससे पहले कुछ और मठरियों की और स्नैक्स की आपके साथ में रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जैसे बीटरूट रेसिपी में, बीटरूट स्नैक्स में मैंने लिया है जैसे रेड कलर की, वो हो गई स्नैक्स। और उससे पहले मैंने मेथी मठरी की जो आपके साथ में जो शेयर की है उसमें हल्का सा ग्रीन कलर, मेथी का ग्रीन कलर होता है तो वो आ ही गया है, और अब यहाँ पे हम हल्का सा ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो ये थोड़ा सा येलोइश, डार्क येलोइश कलर इसका आ जाएगा। तो बस रंग बिरंगा त्यौहार है तो रंग बिरंगी स्नैक्स और मिठाइयाँ तो बननी चाहिए, और वैसे आप नॉर्मली यूँ भी खा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इसे आप होली पर ही बनाइए, दिवाली पे बना सकते हैं, राखी पे बना सकते हैं, और कोई त्यौहार ना हो, दिल हो, तब भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपसे बातें करते करते मैं यहाँ पर हींग डालना भूल गई हूँ, तो बस कोई बात नहीं, देर नहीं हुई है, हींग डाल दी है मैंने यहाँ पर 1-2 चुटकी। अब मैं यहाँ पर टाइट डो, एक पूड़ी का जिस तरह से हम डो रेडी करते हैं वैसा मुझे आटा गूंदना है, तो मैं इस फूड कलर के पानी से थोड़ा थोड़ा करके इस आटे के डो को रेडी करती हूँ। तब तक आप ये चेक कर लीजिए कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं, अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में ही बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ताकि ऐसी ही सारी यमी रेसिपी सबसे पहले सारे वीडियो आप तक पहुँचे। तो देखिए यहाँ पर आटा जो है हमारा रेडी हो गया था, और मैंने इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था, और ये 10 मिनट के बाद में एक बार फिर से हमें इस आटे को अच्छे से मिक्स करना है। वहाँ मैंने दूसरी साइड पर यानी कि गैस के बर्नर
पर सॉरी गैस के बर्नर पर मैंने ऑयल रख दिया है गरम करने के लिए मीडियम आंच पर। और अब देखिए यहाँ पर मैंने नींबू के साइज के आकार के इस तरह से हमें आटे के राउंड शेप में गोले बनाने हैं और उसे हल्के हाथों से इस तरह से इसको दबा देना है। सारे जो है मैं इसी तरह से ये करके रखने वाली हूँ क्योंकि ये वाली मटली मैं थोड़ी सी मोटी बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा ना पतली और ना बहुत ज़्यादा मोटी। तो पहले हम इसे हल्के हल्के नींबू के साइज़ के जो हम हैं राउंड शेप में गोले बनाकर उसे हल्के हल्के हाथों से हथेली पे दबा लेंगे और फिर बाद में हल्की सी फिनिशिंग के लिए हम जो है थोड़ा सा इसको हल्का सा पतला करेंगे बेलन की मदद से। तो बस एक एक डो को आप इस तरह से जो हमने हथेलियों से दबा दिया था थोड़ा सा इसे और इस तरह से थोड़ा पतला कर देंगे और थोड़ा सा सुंदर भी लगेगा ताकि जो है बहुत ही ये देखिए मोटाई आपको ये रखनी है। तो बस ये रेडी है, इस तरह से सारे मैंने इसको कर दिया है और अब हम चलेंगे तेल का जो टेम्परेचर है वो चेक करने। देखिए ये यहाँ पर सारी मठियों को मैंने बेल दिया है। हाँ, इसे फ्राई करने से पहले इसे चाकू या फोक की मदद से इसको इस तरह से आपको जो है हल्के हल्के थोड़े से क्या कहेंगे आप कट मारने हैं ताकि जो है ये फूले नहीं। तो चलिए कभी कभी क्या होता है ना कि रेसिपी बनाना तो बहुत आसान है लेकिन उसको कभी कभी शेयरिंग करते वक्त सेंटेंस नहीं मिल पाता है, लेकिन जो कुकिंग करते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या दिखा रही हूँ। तो बस इस तरह से मैंने सभी के ऊपर चीरे लगा दिए। देखिए टेम्परेचर बिल्कुल करेक्ट है तेल का भी और अब हमें इसे करना है फ्राई। और जैसे ही आप मठरी को ऑयल में डाल देंगे गैस को बिल्कुल सिमर यानी कि बिल्कुल धीमी आंच कर दीजिए। आपको यहाँ से गैस की नॉब दिख रही होगी, गैस की आंच बिल्कुल मैंने धीमी की हुई है। तो बस इसे जो है हमें इसको फ्राई करने में देखिए 7 to 10 minutes यानी कि कैसे आपके गैस की बर्नर की जो नॉब है वो आपको मीडियम टू लो और लो टू मीडियम करते हुए इसको जो है दोनों साइड से अच्छे से फ्राई क्रिस्पी होने तक इसको करना है। तो इसमें लगा है मुझे लगभग 7 to 9 minutes के बीच में। तो बस इस तरह से आप दोनों साइड से इसे फ्राई कर लीजिए और फिर क्या है बस फ्राई कर लीजिए और सारी जो जितनी भी मठरियाँ हैं आप उन सबको इसी तरह फ्राई कर लीजिए। और वैसे आप किसी और शेप में इसे बनाना चाहते हैं कुकी कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या आपको मैंने जो अदर जो मैंने मठरी रेसिपीज डाली है उसके हिसाब से भी आप उसमें देखकर भी डिज़ाइन को वैसा भी बना सकते हैं, जैसा दिल करे बना सकते हैं। बस रेसिपी जो है खाने में स्वादिष्ट होनी चाहिए और दिखने में भी सुंदर होनी। तो बाकी की मठरियों को भी मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया है लेकिन आप अभी कहीं मत जाइएगा, थोड़ा सा इसे ठंडा करते हैं और फिर मैं इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ कि ये कितनी यम्मी डिलीशियस और बहुत ही दिखने में सुंदर हैं। तो बस ये देखिए हमारी ये मठरियाँ पूरी रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए इसे निकाल देते हैं प्लेट में। तो मैं ले आती हूँ एक प्लेट। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इस मठरी को आप एक बार ज़रूर बनाइएगा घर के अचार के मसाले से, थोड़े से सौंफ के जो दरदरा पाउडर हमने डाला है उसकी जो इसके अंदर खुशबू आती है खाने में, ये देखिए ये ठंडे होने के बाद में मैं आपको इस मठरी को दिखा रही हूँ, बहुत ही यमी और डिलीशियस और देखिए दिखने में भी कितनी सुंदर है। आप इसे देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी, बहुत ही अलग तरह का टेस्ट होता है। तो बस जल्दी से आज ही इसे बना लीजिए और बना के खा के मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको ये अचारी मठरी। वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का रहेगा इंतज़ार। मैं जल्दी हाजिर होती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।